मौलाना साहब आपको पता है एन 19 साल की उम्र में नबीना हो गए थे। तो फिर अल्लाह ताला से कहते मैंने बड़ी दुआ की तो मेरी बिनाई फिर वापस आ गई। जब मैं आया तो उनकी उस वक़्त 10 के करीब का शीशा लगा हुआ। तो मैंने कहा आपने अल्लाह से कोई दुआ की? कहते मैंने अल्लाह से बहुत रो रो कर कहा कि या अल्लाह, हर उज्व इंसान का कमज़ोर हो जाता है, लेकिन मैं तुझसे ये कहता हूँ कि मेरी आंखों की बिनाई जो है इसको सलामत रखें, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ और मेरे वालिद जो है वो उनके जो वालिद थे मौलाना के वो नबीना हो गए थे। 20 साल उस नबीना बाप की मौलाना ने खिदमत की, नहलाया दहलाया, आखिरी वक्त तक उनका पेशाब पखाना उठा। तो मैं उन्होंने मुझे कहा कि हर नमाज के बाद दो वजीफे लाजमी पढ़ने, वो मैंने फिर तर्क नहीं किए। अल्लाह का फजल है मैं सफ़र हज़र बीमारी किसी चक्कर शक्ल में, एक उन्होंने कहा था कि हाफजा कबीर है तो ये सर के फ्रंट वाले हिस्से पे इस तरह हाथ रख के 11 बार या कवि, ताकतवर को कहते ये के साथ पढ़ या कवि या कवि, और या नूर ये आंखों के लिए 11 बार पपोटों पे दम करके तो इधर आंख को लगा लेना। तो मैं ये कहता था वजीफे का तो कोई असर हुआ नहीं, 10 नंबर है ना कि लगी इनको। तो बड़ी 16 साल के बाद जाके फिर मुझे जवाब मिला, एक आदमी ने मौलाना साहब का ऑपरेशन किया, लेंस डाल दिया। वो मुझे अक्सर ही कहते थे माड़ा जहा ही फ़र्क रह गया जी मैं ना खिलाना, तो बाकी तो वैसे काम सीधा है। तो मैं उनसे ना ये उनका दिल जो है ना जब परेशानी में या किसी चीज़ तो बदलने के लिए मैं अक्सर उनसे ना ये आँख के ऑपरेशन की रूदा सुनता था। वो बड़े मज़े ले लेके सुनाते, फिर मैंने उन्हें लम्बे पा लिया बेटा, फिर उन्हें मेरी आँख की पता नहीं की किया, वो चोने मैंने इंज करके क्या उठ जाओ जी ये की हुआ बेटा, क्या साइंस अजीब शायद बन गई है। वो फिर गुफ्तगू चल पड़ती थी। तो वो मुझे कहते थे आलिम की आँखें जो है ना वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, ये किसी टेंशन से या किसी बीमारी से अल्लाह जाने ये क्यों हो गई, पिछले दिनों कुछ है भी जोर था बहुत ज़्यादा, तो वो उस पता नहीं नींद नहीं आई मुझे, तो कोई कोई अमूर थे उनको सोचते ही मेरी रात दिन उसी बुनत के अंदर गुजर गए, तो उससे फिर वो आंखों पे शदीद असर आ गया। तो अब ये वाला हिस्सा जो है ना मुझे बिल्कुल ये ऐसे सब चीज़ें हिलती इससे नज़र आती है। डॉक्टर साहब को चेक कराया था, कहते खुश्की है तो पानी पिए, मैंने उस दिन की पता नहीं कितनी बोतलें एक्स्ट्रा पानी की पी ली, मैं कह ये तो पूरा कराना पहले, तो वो अब मैं पी जा रहा हूँ डायबिटिक हूँ, वो मेरे लिए और भी नुकसानदेह है। तो लेकिन अल्लाह से दुआ आप सब करें कि उस्ताद जी की नज़र जो है वो सलामत रहे। मुझे बहुत शौक है ये नज़र मेरी, मैं देखें ये वजह ये इस नज़र से मैं खाना काबा को देखता हूँ और इस नज़र से मैं आपके ये सारी चीज़ें पढ़ता हूँ। इल्म जो है ना वो मेरी रूह का नाम अल इल्म है, मेरी रूह का अगर मैं ज़िंदा रहूँ तो अल इल्म पर रहूँ और मरूँ तो अल इल्म की तलाश में मरूँ और फैलाऊँ तो सिर्फ़ अल इल्म फैलाऊँ। मालूमात में आपको कभी रतब गंद मैंने बहुत देखा पड़ा, जो इल्म था जो बहुत नेगेटिव, कोई शय छोड़ी छाड़ी कोई नहीं, पी गया कोई शय नहीं मैं छोड़ता, पी जाता हूँ हर चीज़, लेकिन आपको मैं सिर्फ अल इल्म ही देता हूँ। मैं नहीं आपको उकसाता किसी ऐसी बात पर कि जिसकी बिना पर फिर आपकी आखिरत बर्बाद होके रह जाए। चाहे मुझे कह रहे थे मजमा, मैंने कहा एक भी ना रहे, मैं तो बने उस उस्ताद का शिगिर्द हूँ, वो कहता है कोई भी नहीं रहना चाहिए काशिफ, चंगा पक्कर ले जावांगे, ठीक है ना। वो तो मुझे जाते जाते ऐसी टिप्स दे गए हैं कि मुझे कारी बेपरवाह दिया, ठीक है ना। इसलिए मैं हर वक्त ख्वाब भी देखता हूँ तो वीरानों और तन्हाइयों के देखता हूँ, दूर सहराओं के अंदर के देखता हूँ कि मैं सहराओं में हूँ, दीन का गलबे की बात कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, मेरे सारे ख्वाब खेत खलियानों इधर गुजरते, मैं कब शहरों के अंदर, कोई एक दिन भी मुझे कुछ शहरों का आता है ना, जब वो मुझे अलार्मिंग आता है कि मुल्क के अंदर अब फसाद होगा, इतना खून बह जाएगा, शहरों के लोग भाग रहे हैं, वो फिर कभी इस तरह का वो अफरा तफरा, बाकी तो मुझे सारे वही है। कुछ ऐसा हो रहा हो जो उसको पसंद आ रहा हो, बस वो फिर जो है ना मकबूल अमले साले इंशाल्लाह, उसमें अल्लाह ताला जो है ना, शहीद क्यों दुनिया में अल्लाह ताला के यहाँ मर्तबा पाता है, वो मकबूल अमले साले के दौरान शहादत दे रहा होता है ना, तो कत्ल करा रहा होता है, तो कत्ल वो हो रहा होता है तो वो अमले साले पेश हो रहा होता है, इस वजह से फिर उसका अजर बड़ा बुलंद है। तो इस दफ़ा हमने उम्रे पे भी एक ही बात, बस बार 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 उम्रे की नीयत ही मैंने ये कर ली, कुछ भी नहीं किया हुआ, सब खत्म। पहले बहुत अल्लाह से अदारा मांगा, फलां मांगा, मैंने ख़त्म कर दी, मैंने कहा बहुत ले लिया, बहुत तुझसे दुनिया की दौलत तो इससे रुलती फिरती कदमों के अंदर, किसी ने मुझे क्या देनी है, हैं जी। ओ एक ही चीज़ मांगता सारा, मैंने कहा अल्लाह कसर सिर्फ एक चीज़ का किया कि मुझे आखिरी वक्त में ऐसा हुस्ने खात्मा हो कि मैं किसी मकबूल अमले साले के अंदर
उसे अदा कर रहा हूं जब मेरी जान निकल जाए। आमीन। ये अल्लाह से मेरी दुआ बैतुल्लाह के मुल्तजिम के साथ चिमट के मांगी अल्लाह से कि तेरे घर में ये एक तोहफा लेने आया हूं और तेरे लिए ऐसे तोहफे देना, तू तो बांट रहा है, तू तो बांट रहा है, तू वो दाता है कि देने से शेरी नहीं तुझे। शेर में आपको इस शेर के अंदर वो सवाल है जो आपका, जो मैंने आपको, वो बहुत बच्चा था, तू वो दाता है कि देने से शेरी नहीं तुझे। कहता है ए अल्लाह तू वो देने वाला है कि तुझे देने के बाद भी सुकून नहीं आता, शेर नहीं हो जाता कि बद देता बहुत भी हूं तो देता वंड हटे भाई होशा मैं दे वंड के, बोला नहीं फिर तू वो दाता है कि देने से शेरी नहीं तुझे। लज्जत जूद, जूद होता है जवाद लफ, जूद देना किसी चीज को, लज्जत जूद से तुझको इतना मजा आया देने का, लज्जत जूद से फिर मांग सिखाया मुझको। कहता फिर तू क्या करता है, पहले देता है, देने के बाद मेरी जरूरत पूरी कर देता है, फिर एक और जरूरत खुद फिर मेरी पैदा खुद ही कर देता है।